हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। इशू ऑफ शेयर्स का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। इसमें मैं दो सम सॉल्व करने वाला हूँ, लेकिन पहले ही सम में हम ज्यादा मसाले देखने वाले हैं। मसाले मतलब कैसा, पिछले सम में हमने तीन मसाले देखे थे, कौन सा, एकदम सादा डोसा मैंने इस तरह सॉल्व किया था, फिर मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन विद रिफंड ट्रीटमेंट देखा था, बराबर दिखाया था बराबर, और फिर यहाँ पे हमने ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस प्रो राटा किया था। अब और भी कुछ मसाले हैं, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम के मसाले हैं और अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो वो काफी इजी है, उसके लिए मैं दूसरे किसी वीडियो में कवर करूंगा। अभी जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है कॉल्स इन अरियर्स फॉर फीचर एंड री इशू, और ये एक ही सम में हम तीनों मसाले देखने वाले हैं, इस साइड में सॉल्व करने वाला। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको सारा समझ में आ जाए। मैं एक और चीज कहूंगा, पिछला वीडियो जरूर देखिए ताकि फटाफट से एंट्रीज याद हो जाए, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने एंट्रीज भी बाय हार्ट कराई है, स्टार्टिंग का 10 मिनट तो विदाउट फेल देखिए। ओके, तो शुरू करते हैं आज के पहले सम से। हमारा ये सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और ये है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, आपके स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। क्वेश्चन बोलता है कि सुभाष कंपनी लिमिटेड इश्यूज 2000 इक्विटी शेयर्स। देखो इक्विटी शेयर्स है, एंट्री में फर्क पड़ता है बेटा, प्रिफरेंस शेयर है तो प्रिफरेंस शेयर्स। 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, इसका फेस वैल्यू 100 है बराबर, पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड 40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पिछले वीडियो में भी हम लोग ने कैसे देखा था कि भाई इन्होंने 2000 इक्विटी शेयर्स इशू किए, तीन स्टेजेस में ये कैपिटल कलेक्ट करने वाली है, तो तीन स्टेजेस, एप्लीकेशन में 30 रुपीज, अलॉटमेंट में 30 रुपीज और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का टाइटल है, ओके, ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट। ओके, अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए, जो कि मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी, पिछला वीडियो बहुत लंबा हो गया एंट्री बाय कराने में, तो हम क्या करेंगे, फटाक से एंट्री आ जाएगी। ठीक है, हम अभी इस सब में रेडीमेड इसमें एंट्रीज पेस्ट करने वाला हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। तो अभी फटाक से जब एंट्री मैंने लिखवा दिया है तो प्लीज ऑब्जर्व, हर स्टेज का दो एंट्री मैंने बोला था, कौन सा स्टेज, एप्लीकेशन का दो एंट्री, रिसीट ट्रांसफर, अलॉटमेंट का दो एंट्री, ट्रांसफर रिसीव, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ट्रांसफर रिसीव, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है, तो प्लीज पिछले वीडियो में यही ऑब्जर्व करने के लिए देखो स्टार्टिंग का 10 मिनट के, रिसीट ट्रांसफर रिसीट ट्रांसफर रिसीट में क्या होता है। अभी सारी एंट्रीज, तीन स्टेज की 6 एंट्रीज, चार स्टेज होते हैं तो 8 एंट्रीज होती, तो अभी क्या करना है, हर स्टेज को मैंने इनकम्प्लीट रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे फटाफट से। देखो फिल इन द ब्लैंक्स कैसे होता है, एक बार में मैजिक होएगा और फिल इन द ब्लैंक में एंट्री सामने आएगा। प्लीज ऑब्जर्व हर स्टेज के अंदर क्या फिल इन द ब्लैंक्स होने वाला है, रेडी। देखो इसमें मैंने कैसे अभी पहले से ही एंट्रीज क्या हाईलाइट कर दी, ध्यान से देखो, दो स्टेज है, पहला कौन सा स्टेज है, एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है, यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट है। अभी कौन सा स्टेज है, अलॉटमेंट, तो यहाँ पे अलॉटमेंट स्टेज में अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट स्टेज में अलॉटमेंट क्रेडिट, फिलिंग द ब्लैंक्स, याद रखने का लाइन। अभी यहाँ पे ट्रांसफर स्टेज है, किसका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो देखो पूरा नेम एंड एड्रेस पूरा साथ में लिख देगा बाबा, ये डेबिट लिखा है, छोटा सा जगह नहीं, मेरे को बहुत लंबा सम सॉल्व करने का, तुमको नहीं करने का, तुमको अच्छे से बड़ा पर्टिकुलर्स बनाने का, ठीक है, जब लाइन ड्रॉ करो तो हाईवे मत बना देना, छोटे छोटे पाइपलाइन बनाना, ठीक है, और एलएफ जरूर बनाना, भले काम नहीं आता लेकिन बनाने का, फॉर्मेट के मार्क्स करते हैं, जर्नल एंट्रीज में बहुत जगह मार्क्स काटने के चांसेस है, नरेशन में मार्क्स काट सकते हैं, फॉर्मेट में मार्क्स काट सकते हैं, तो ध्यान रखो जितना इजी है उतना अटेंशन भी है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे पार्टीशन कर रहा था, ये देख लो बाबा, अभी मेरा दो लाइन में है, तुम्हारा भी दो लाइन में आता तो ऐसे लिखने का, क्योंकि पूरा नाम है ना बेटा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कल हम लोग ने फाइनल कॉल देखा, सेकंड कॉल देखा है ना, कल मतलब पिछले वीडियो लेक्चर में। ओके, अभी ध्यान से देखो, ये तो हो गए एंट्रीज, अभी क्या करने का, बस अमाउंट भरने का, यहाँ तो कुछ भी चेंजेस नहीं बेटा, एकदम इजी, मैं फटाक से अमाउंट भी भरूंगा और अमाउंट में खुद लिखूंगा, सामने सामने भी आपको दिखाऊंगा, उसकी वजह है यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे कैसा है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, इशूड भी उतना है, एप्लीकेशन भी उतना है मिला और सब्सक्राइब भी उतना ही है, तो 2000 शेयर्स एप्लीकेशन स्टेज में 30 रुपया, तो 3 2 6 चार जीरो मिलाएंगे तो 60,000 हो जाएगा, तो हमको 60,000 रुपीज एप्लीकेशन स्टेज में आ गया,
बराबर। कल हम लोग के स्तंभ में इम्पोर्टेंट, पिछले वीडियो में यही इम्पोर्टेंट था, हमको पहले से पैसा मिल गया है क्योंकि एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है, इसलिए रिसीट एंट्री ऊपर होती है और ट्रांसफर एंट्री नीचे। रिसीट में पैसा आया, ट्रांसफर में कैपिटल क्रिएट हो गया। ओके, अब हमने 2000 शेयर्स का 30 रुपीस मांगा, ट्रांसफर में हमने 30 रुपीस मांगा, भाई तुमको शेयर अलॉट हो गए, अभी तुम दो, आगे का पैसा दो। तो हमने 30 रुपीस 2000 शेयर्स का मांगा, हमने मांगा 60,000 रुपीस, हमने मांगा 60,000 रुपीस और हमको मिला 60,000 रुपीस। ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा भी पूरा मिल गया बॉस। ओके, इधर भी अटेंशन है बेटा, अटेंशन अभी यहाँ पे आने वाला, ध्यान दो। अब हम क्या मांग रहे हैं, 40 रुपीस 2000 शेयर्स का। अब हम लोग मांग रहे हैं 40 रुपीस 2000 शेयर्स का, मांगना भाई, मांग लिया। ये हमने 4 2 8 और 4 0 जोड़ दो, 80,000 बराबर, ये हो गया बेटा। हमने मांगा 80,000 है, हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल स्टेज में मांगा, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वापस अपीयर होगा सामने, ध्यान से देखो। इसमें किसी एक शेयर होल्डर ने 100 शेयर्स का पैसा नहीं दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल स्टेज का। जब हमने मांगा तब हमको थोड़ी ना मालूम पड़ा कि किसने दिया किसने नहीं दिया, पहले हमने मांगा। ओके, यहां पे हमने पैसा मांगा और अब पैसा जब मिल रहा है तब मालूम पड़ा कि किसी एक पनौती शेयर होल्डर ने क्या किया, 100 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, 100 शेयर्स का 40 रुपीस, 100 शेयर्स का 40 रुपीस, 100 शेयर्स का 40 रुपीस नहीं दिया है, बराबर। तो 100 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 40 4000, तो 4000 रुपीस हमको नहीं मिला। और आज का मसाला यही है, इसी को बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान देना बेटा प्लीज, यहां पे मैं ब्लू मार्कर यूज करता हूं। देखो बेटा, हमने मांगा 80,000, आई होप ये विजिबल है, हमने मांगा 80,000 लेकिन 4000 रुपीस नहीं आया, उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। तो यहां पे मैं माइनस करूंगा, 4000 नहीं आया तो कितना आया, 76,000, 76,000, 76,000। ओके, समझ आया। देखो बेटा, अगर अरियर्स है ना तो ये चेंजेस आया, अरियर्स नहीं होता तो ये अमाउंट इधर लिख देता और मुझे लगता है बोर्ड में इतना ही आना है, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा कुछ बच्चों का डाउट आया तो मैंने बना दिया वीडियो। ठीक है, अभी देखो कैसा है, यहाँ पे आगे और एंट्रीज आने वाली है। ये सब में इसने बोला है, ये तो अरियर्स का मसाला हो गया, ये सब में बोला है ये जो पनौती शेयर होल्डर है ना, 100 शेयर जिसने पैसा नहीं दिया उसका शेयर फोरफिट कर दो। फोरफिट, फोरफिट मतलब क्या है, फोरफिट मतलब कैंसलेशन ऑफ मेंबरशिप। ये भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, हम उसका मेंबरशिप ही कैंसिल कर देंगे। मेंबरशिप कैंसिल मतलब कैपिटल कैंसिल। बेटा हर ट्रांसफर एंट्री प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, हर ट्रांसफर एंट्री में कैपिटल क्रिएट हो रहा है, हर ट्रांसफर एंट्री में कैपिटल क्रिएट हो रहा है। जब जब कैपिटल क्रिएट हो रहा था, कैपिटल हो रहा था क्रेडिट, अब कैपिटल कैंसल हो रहा है तो कैपिटल हो जाएगा डेबिट। ये बार बार जो मैं बोल रहा हूं, मैं पूरा ब्लू मार्कर से लिखने वाला, एकदम यूनिक एंट्री, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये फोरफीचर की एंट्री है, इसके बाद रीइश्यू की एंट्री है, तो यहां पे या तो ऊपर लूंगा। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्लीज ऑब्जर्व, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभी तक कैपिटल क्रेडिट था, बराबर ना बेटा, अभी कैंसल हो रहा है तो डेबिट। अब टू शेयर फॉर फीचर, ओके, अभी बाकी है बेटा एंट्री टू, यहां पे क्या आएगा, ये लफड़ा कौन से स्टेज में हुआ, एप्लीकेशन में हुआ, नो सर, अलॉटमेंट हुआ, नहीं नहीं सर, तू कहां हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे जहां लफड़ा हुआ, जहां घटना हुई, उस घटना स्थल का नाम लिखेंगे, दैट इज टू शेयर, सॉरी एक्चुअली आना चाहिए टू इक्विटी, ये पूरा एड्रेस आएगा, फिर से मेरे को नीचे लिखना पड़ेगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये क्रेडिट हो गया, बस इतना सा एंट्री, प्लीज ध्यान दो, अभी अमाउंट भी दिख देगा।
बेटा जब वो मेंबरशिप कैंसिल कर देना तो जड़ से उखाड़ देगा। अब जड़ से कैसे उखाड़ देगा, ध्यान से देखो। सॉरी भाई साहब ने 100 शेयर्स का पैसा नहीं दिया तो उसका पूरा 100 शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं। यहां पे बोला भी नहीं कि आधा कैंसिल कर रहे हैं, पूरा कैंसिल कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, 100 शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं हम लोग, 100 शेयर्स, और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, यहां पे था ना 100 रुपीज मैंने बताया था स्टार्टिंग में बोला था। तो इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर दैट इज 100, वापस से सुनने का बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, ओके 100 × 100 10,000, ठीक है ना भाई, 10,000, 10,000, ओके। किसी को याद है कि अरियर्स कितना हुआ? हाँ सर आपने इधर लिखे लाना, ओके फिल इन द ब्लैंक्स, अरियर्स हुआ ना यहाँ पे, इनटू 4,000, ओके ये क्रेडिट मिल गया, तो यहाँ पे कितना क्रेडिट आएगा 6,000, ये हमने उसको फोरफिट कर दिया, ओके बेटा प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसके आगे और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, थोड़ा एंट्री याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैं बोलते बोलते सिखाने वाला हूँ और लिखाने वाला हूँ, ध्यान दो बेटा, ये समझा, ये फोरफीचर का एंट्री यूजुअली सम इधर ही खत्म हो जाता है, लेकिन ये सम ऐसा है ना इसमें री इशू भी दिखा है, री इशू मतलब एक पनौती ने धोखा दिया तो दूसरे पनौती को ढूंढा शेयर, ये भगवान। अब इन्होंने जब री इशू किया, इन्होंने जब री इशू किया तो बोल रहा है री इशू 75 रुपीज में किया, फेस वैल्यू 100 है, क्वेश्चन ध्यान से देखो भाई साइड में हो जाता हूं, फेस वैल्यू 100 है लेकिन री इशू 75 में किया, कैपिटल का वैल्यू 100 ही है लेकिन री इशू 75 में किया, एक तरह से कंपनी का नुकसान है लेकिन कंपनी का फायदा हो चुका है यहां पे, प्लीज ऑब्जर्व, प्लीज प्लीज ऑब्जर्व, वो जो भाई साहब है हमारे जो पनौती भाई साहब जिसने नहीं दिया बेटा, उसने ये स्टेज का पैसा दिया, हाँ सर दिया ना, ये पैसा दिया, हाँ सर दिया, और ये पैसा ये नहीं दिया ना, बराबर, तो उसने इतना पैसा दे दिया ना, वो पैसे तो है शेयर फोरफीचर का, एक तरह से कंपनी का फायदा है, बराबर। और ये अभी देखो कैसे ये फायदा थोड़ा और एडजस्ट होने लगा, प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, ये फोरफीचर का एंट्री है, ओके। अब री इशू का एंट्री ऊपर देखो, डेट के कॉलम में स्टेजेस लिखता हूं, आप लोग को सिर्फ पेंसिल से लिखने का बंद रख कर देने का, ठीक है। री इशू का एंट्री बेटा, जब शेयर इशू करते ना तो नॉर्मल एंट्री क्या होता है, वो अपना 11th स्टैंडर्ड के बचपन में किया था ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या था एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वैसे ही कुछ, वैसे ही कुछ, ये भी बिजनेस स्टार्टिंग और कैपिटल के लिए तो मच मच हो रहा है सर। यहाँ पे भी एंट्री आएगी, मैं पूरा व्यू में लिखता हूँ, यूनिक एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अभी वापस से कैपिटल क्रिएट हो रहा है, बराबर। कितना शेयर इशू हो रहा है सर, पूरे 100, तो पूरे 100 का वैल्यू कितना है 10,000, यहां पे लिख दो 10,000, बराबर। इशू कितने में हो रहा है सर, 75 रुपीज में, तो यहां पे क्या आएगा देखो, वर्किंग पूरे 100 शेयर इशू हो रहे हैं 75 रुपीज में, ओके बराबर। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 7,500, ये समझा क्या, इजी कूल, ये समझा। अभी आगे क्या देखने का, आगे यहां पे डेबिट खाली है, बराबर, एक तरह से डिस्काउंट पे इशू किया ना, तो इसको देखो कैसे एडजस्ट करते हैं एंट्री में, यहां पे हमको 6,000 का फायदा हुआ है, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, यहां पे हमको 6,000 का फायदा हुआ है, बराबर, और यहां पे हमको 2,500 का नुकसान हो रहा है, दिख रहा है ना भाई 2,500 का, चलो लिख देते 2,500, बराबर, ये मैं लिख दिया 2,500, ठीक है। तो एंट्री में क्या आएगा, यहां पे हम जो डेबिट करने वाले हैं वो हो जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट, समझ में आया। नाउ लास्ट एंट्री, रूल के हिसाब से हम लोग को ये जो शेयर फॉर फीचर नामक जो एंट्री है
इसमें जो भी बैलेंसेस बचे वो हमको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। कैपिटल रिजर्व एक तरह से वो प्रॉफिट हो जाता है, वहां पे वो प्रॉफिट जमा करते हैं जो कंपनी ने बिना मेहनत के कमाया, ऐसा भी बोलते हैं उसको। ठीक है, शॉर्ट में बोलूंगा नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ये शेयर फॉरफीचर का ट्रांसफर कर देंगे। पहले तो एंट्री देख लो, इसमें एंट्री में टेंशन नहीं, एंट्री बहुत ईजी है। इसकी एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ओके, अब यहां पे मैं आपको चाहिए तो इसका वर्किंग दिखा देता हूं, शेयर फॉरफीचर के अमाउंट का। ठीक है, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट कितना है 6000, शेयर फॉरफीचर डेबिट कितना है 2500 बराबर। अब शेयर फॉरफीचर में कितना बचा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए 3500 बराबर ना। तो क्या 3500 लिखो ना बेटा इज्जत से। मैंने इस वीडियो में नरेशन कवर नहीं किया, मैंने पहले भी बोला है, पिछले वीडियो में बोला है, नरेशन के लिए टेक्स्ट बुक देखो। ठीक है, या तो टारगेट पब्लिशिंग स्मार्ट नोट देखो, 303 पेज नंबर पे पूरा है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मसाला पहला ये अरियर्स का मसाला था, ये शेयर फॉरफीचर का मसाला, री इश्यूड का मसाला, और कैपिटल रिजर्व में बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर किया उसका मसाला। प्लीज सब बहुत इंपॉर्टेंट सब है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब लेंगे। तो आई होप बेटा कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहां तक तो इजी है, पिछले वीडियो में भी फर्स्ट 10 मिनट देखो तो ये वीडियो समझना, ये आगे का समझ में आ जाएगा, और नहीं भी देखा है तो अभी देख लो, अभी क्या समय वैसे ही है। अब हम लोग अभी इलस्ट्रेशन का सम लेने वाले, थर्ड सम क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि बाजू मुझे हटाना पड़ेगा क्वेश्चन, ध्यान से दो। देखो बाबा क्या पूछ रहे क्वेश्चन, के अंकिता कंपनी लिमिटेड इश्यूज 10,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, ध्यान देना, एंट्री में फर्क पड़ता है, इक्विटी तो इक्विटी, प्रेफरेंस तो प्रेफरेंस। ठीक है, अंकिता कंपनी इश्यूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2, एक्चुअली 12 विद अ प्रीमियम ऑफ 12। सर ये प्रीमियम क्या है, जिस कंपनी का ज्यादा वर्थ होता है ना वो अपने फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू में शेयर्स इशू करती है, मतलब 10 का है तो 12 में देंगे, बाय व्हाट गुडविल, भरना है तो भरो, लेना है तो लो, सिंपल योर कॉल। मतलब क्या है बेटा, एक एंट्री बढ़ने वाला है, सिर्फ एक ही एंट्री बढ़ने वाला है, एक हल्का से एंट्री के लिए हमको पूरा सम सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा मैजिक करूंगा, लेकिन प्लीज ऑब्जर्व वो छोटा सा चेंज भी, प्लीज ऑब्जर्व, मैं ब्लू कलर से वो चेंजेस बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें देखो पहले क्वेश्चन अच्छे से देख लो कि बाबा 10,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं, कितने 10,000 इक्विटी शेयर्स पेबल एज एप्लीकेशन में ₹4, अलॉटमेंट में ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट स्टेज एक्चुअली ₹2 का है, अलॉटमेंट में बोल रहे हैं 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, अगर नहीं भी बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम तो बाय डिफॉल्ट इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलवेज ट्रीट दैट प्रीमियम अमाउंट इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट स्टेज। ओके, तो यहां पे हम लोग ने लिख दिया, प्लीज ऑब्जर्व बेटा। अभी लास्ट में बोलता है बैलेंस, इनको लगता है हमको आता है, नहीं आता है हमको, समझा क्या क्या आता है, बैलेंस कितना आएगा ₹4 का। सर कैसे ₹2 ना, 4 तो ₹10 का शेयर है, लेकिन ₹2 तो प्रीमियम है बॉस, तो कैसा हो जाएगा एक्चुअली शेयर कैपिटल कैसे क्रिएट होने वाला है, ₹4 एप्लीकेशन, ₹2 अलॉटमेंट विथ प्रीमियम, एंड देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इधर भी यही टाइटल यूज किया है। फटाफट से अभी देखो एंट्री हम लोग बोर्ड में मारेंगे, एक बार में एंट्री आएगी फटाक से, तो अब इसमें क्या हो गया, देखो एंट्री फटाक से आ गया। अब इसका एडवांटेज लो बेटा कितना है, अभी मैं फटाफट से फिल इन द ब्लैंक्स करूंगा अमाउंट का, और अमाउंट का फिल इन द ब्लैंक्स करते करते चेंजेस बताऊंगा बेटा। एकदम फर्स्ट देखो ना, ये फर्स्ट हाफ है ना इसका, छह, इसमें भी तीन स्टेज है, एक दो तीन स्टेज का 6 एंट्री होता है बेटा, पिछले वीडियो में भी बोला है 4 स्टेज है तो 8 एंट्री होता है बराबर। तो एंट्रीज में ज्यादा फर्क नहीं है अमाउंट में, और कुछ एंट्रीज में मसाले में। अब ये सब में क्या है, प्रीमियम का मसाला है, एकदम थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, फटक से लेते हैं। देखो फर्स्ट स्टेज एप्लीकेशन कितने शेयर का आया, 10,000 शेयर का एप्लीकेशन आया, ₹4 दिया पब्लिक ने, तो कितना ₹40,000 आया, ये मैं ब्लैक मार्केट से लिख रहा हूं, नॉर्मल है, ₹40,000 आ गया एप्लीकेशन बराबर, एट द सेम टाइम ₹40,000 का कैपिटल क्रिएट हो गया, ये इजी है बेटा।
ठीक है। अब क्या हो गया है, ट्रांसफर स्टेज, ये रिसीट, ये ट्रांसफर, मैं वो भी लिख देता बेटा, कामों का कंफ्यूजन। देखो बाबा, रिसीट ट्रांसफर, ट्रांसफर रिसीट, ट्रांसफर रिसीट, और चेंजेस क्या होने वाले हैं ये वाले ट्रांसफर एंट्री में, ठीक है। सरकार है, इसमें क्या चेंजेस हुआ था, अरियर्स का चेंजेस यहाँ पे हुआ था, बाकी सब न्यू एंट्रीज थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ध्यान से देखिए बेटा, एक एंट्री हल्की सी नहीं आएगी। हमने जब पैसा मांगा ना, तो हमने 2 रुपया अलॉटमेंट स्टेज का मांगा बेटा, और 2 रुपया प्रीमियम का। तो कैपिटल जो क्रिएट होगा इधर 10,000 शेयर्स का, वो सिर्फ 2 रुपीज का होगा, कैपिटल क्रिएशन 2 रुपीज का होगा फॉर 10,000 शेयर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000 रुपीज। ओके सर, बाकी 20,000 वो प्रीमियम है ना, 10,000 शेयर्स का 2 रुपीज प्रीमियम पब्लिक भर रही है या हम लोग मांग रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम, जो आपको मुंह पे जमता है वो ले लो। मैं तो बोलूंगा शेयर प्रीमियम लिखो, इज्जत से सिक्योरिटी स्पेलिंग में बहुत लोग मिस्टेक करते ही, ठीक है, मार्क सिक्योरिटी रहेंगे इधर से लो, ठीक है। शेयर प्रीमियम का 20,000, ओके टोटल हो गया 40,000। अब ऐसे भी जितना अलॉटमेंट ऊपर हुआ है, मतलब अलॉटमेंट के स्टेज पे जितना मांगा है उतना ही आएगा, ये वो एक आदत थी, डैश डैश मांगने की, वो नहीं मांग लिया, ठीक है। चलिए अभी बेटा सब इजी है, अभी कुछ बचा ही नहीं सब, अभी क्या हर स्टेज को मल्टीप्लाई करेगा, हमने इतना मांगा और हमको इतना मिल गया, पूरा 40,000 बेटा पैसा आ गया विद अलॉटमेंट मनी एंड विद शेयर प्रीमियम मनी, ओके फॉर 10,000 शेयर्स। अभी हम लोग ने लास्ट स्टेज में कितना मांगा, 10,000 शेयर्स का 4 रुपीज मांगा, दैट इज 40,000 मांगा, तो 40,000 हमारा आ जाएगा। ये हमने पहले 40,000 मांगा और ये 40,000 मतलब सॉरी मांगा और ये 40,000 मिल गया, ओके ओके। मेरे बोलने में थोड़ा कहीं कहीं मिस्टेक हुआ रहेगा, बट कोई मेजर मिस्टेक नहीं, प्लीज एंट्रीज पे ध्यान दीजिए, ओके एंड डू प्रैक्टिस। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, आपको ये प्रैक्टिस भी करना होगा, ओके वरना सब टाइम वेस्ट है और आपका डेटा भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।